रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जम्मू कश्मीर है शहीद जवान औरंगजेब के पिता ने बोली ऐसी बात, सुनकर हर किसी को हुआ गर्व। औरंगजेब के पिता और ग्रामीण ईद की छुट्टी के लिए अपने घर पहुंचा रहे सेना के जवान औरंगजेब की हत्या की खबर सुनने के बाद उनका पूरा घर गम से डूब गया है। अपने जवान बेटे को खोने वाले पिता उसकी हत्या के पीछे पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान भारत से कश्मीर कभी नहीं छीन सकता है। कश्मीर भारत का अटूट अंग है और इसे कोई अलग नहीं कर सकता है। उनके बातों में पाक के प्रति गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा था। हनीफ ने कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते हुए उस पर आतंकियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र व कश्मीर के नेताओं से कश्मीर को आतंकवाद से निजात दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिंसा की इस आग में हर रोज न जाने कितने मासूम झुलसते हैं। शहीद जवान की मां का रो रो का बुरा हाल था। शहीद के पिता मो हनीफ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जवान के घर के बाहर सुबह से ही स्थानीय लोग भारी संख्या में पहुंच गए थे। बूढ़े माता पिता की पथराई आंखों में आंसू देखकर वहां मौजूद हर चेहरे से आंसू छलक उठे। शहीद जवान की मां ने कहा कि मौसम की मार से भी हम बच नहीं पाए हैं। बेटे का पार्थिव शरीर खराब मौसम के कारण अब तक हमारे पास नहीं पहुंच पाया।